देश भर में काबुली चने का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। प्रदेश में बोवनी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में अच्छे काबुली में बोवनी वालों की अच्छी मांग देखी जा रही है, जबकि देश भर में काबुली चने का स्टॉक लगभग सिमट चुका है। जिसके पास भी स्टॉक है वो मनमाने दाम मांग रहा है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि इन दामों पर बोवनी वालों के साथ ही यूरोप गल्फ कंट्री की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि मांग से ज्यादा असर आवक से मिटने का है। मंडियों में आवक प्रतिदिन घटती जा रही है। सोमवार को इंदौर मंडी में काबुली चने की आवक 700 से 1000 बोरी देखने को मिली, जबकि पूरे प्रदेश में कुल आवक 2000 बोरी से ज्यादा नहीं हुई, जिससे तेजी को सपोर्ट मिला। वहीं सोमवार को काबुली चना कंटेनर में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल दर्ज किया गया। दरअसल जनवरी अंत तक फिलहाल नए काबुली चने की आवक संभव नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके दामों में आगे और तेजी की संभावना बनी रह सकती है। आपको बता दें कि मंडियों में काबुली चना 7500 से 12700 तक बिक रहा है। कंटेनर में काबुली चना 40/42 13600 रुपए, तो 42/44 13400 और 44/46 13200, जबकि 58/60 12500 और 60/62 12400 के आसपास देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अच्छी खरीदारी रहने से उड़द दाल उड़द मोगर में 100 रुपए, जबकि मूंग दाल और मूंग मोगर में 50 रुपए की तेजी रही। वहीं मसूर में ग्राहकी कम होने से भाव में बहुत ज्यादा कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। मसूर घटकर 6600 रुपए प्रति क्विंटल पर सिमट गई है। वहीं चना तुअर उड़द और मूंग में फिलहाल काम का सामान्य देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।